Hello students, welcome to ICSE Mentors. This is Assistant Commandant Rahul Raj and I am here with a new video. Today we'll start a new topic, which is midpoints and section formula and equation of line. There are these two chapters ko ek saath kar diye hain yahan par, kyunki dono chapter question na mila ke puchta hai board, isliye dono ko saath leke padh chalenge. Previous year questions karenge, dekhte wahan tak paate hain. First part, ye part 1 hai. Sabse pehle formulas pe aate hain. Is chapter mein formulas kya kya jo aapko padhna hai. ओके okay. सबसे पहले तो तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आते हैं. सबसे पहले आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. में मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट तो पता ही होगा मिड पॉइंट क्या होता है. अगर एक लाइन है, मान लो ए बी, इस ए बी का पी मिड पॉइंट है, मान लो एम मिड पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वन और वाई वन है और बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है, तो आपको बोलेगा एक्स या वाई का एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. तो m का x का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों a और b के x को जोड़ दो, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. और m का अगर y निकालना है तो दोनों को y को जोड़ दो, मतलब y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ये होता है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब जो बीच में होगा, ठीक है. तो x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, y को जोड़ के 2 से डिवाइड. ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला. फिर आता है एक सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो मिड पॉइंट ना हो, किसी और रेशियो में डिवाइड करे लाइन को, तब क्या लगेगा. जैसे मान लो एक फिर से ए ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन वाई वन, और ये बी ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू वाई टू, ठीक है. और ये पॉइंट पी ले लेते हैं, तो मान लो ये पी इसको एम इज टू एन का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे फाइव इज टू थ्री भी हो सकता है, फोर इज टू वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मिड पॉइंट के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है. उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो देखो. तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, अगर आप उसको याद करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेट होगा. उससे सब ऐसा याद रखना, पी का जो एक्स होगा तो क्या करना है ना, एम इंटू दूर का एक्स. तो देखो एम के दूर का एक्स कौन है, एक्स टू. एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू दूर का एक्स, देखो एन के दूर का एक्स कौन है, एक्स वन. एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. कुछ बुक्स में आपको के इज टू वन लेके भी बनाता है क्वेश्चन, लेकिन एम इज टू एन लो ज्यादा बेटर हो. आप कह रहे एम का दूर का एक्स देखना, एन का दूर का एक्स देखना, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. उसी तरीके से अगर p का y पूछेगा, m इंटू दूर का y, अब m के दूर का y कौन है, y2 है, तो m इंटू वाई टू प्लस n इंटू दूर का y, n का दूर का y कौन है, y1, तो n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है. अब बैठते नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ. अभी नेक्स्ट फॉर्मूला आपका मेनली शायद सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होगा. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जानते हैं. सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल लोग है जिस पॉइंट पे मीडियंस बाई इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है. तो मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. अभी देखो अगर ये ट्रायंगल है तो इसके पास तीन तो वर्टेक्स होगा. मान लो ए का कोऑर्डिनेट हम एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू ले लेते हैं, और सी का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, एक्स थ्री वाई थ्री. और पूछेगा कि सेंट्रॉइड का आप बताओ, सेंट्रॉइड का आप कोऑर्डिनेट्स बताओ कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो सी एक्स का फॉर्मूला होगा, तीनों के एक्स को जोड़ो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री. ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, जो तीन वर्टेक्स है ना, वो लोग तीनों के एक्स को ले लो, ऐड करो, तीन से डिवाइड करो. उसी तरीके से सी वाई, सी वाई में क्या होगा, वाई जोड़ना, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री द होल डिवाइडेड बाई, वहाँ क्लियर हो गया. ये हो गया सेंट्रॉइड के लिए. तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का एक्स को लेना, वर्टेक्स का एक्स को लेना और डिवाइड कर देना थ्री से, और वाई के लिए तीनों का वाई को लेना और थ्री से डिवाइड कर देना. इससे तुम्हारा सेंट्रॉइड का क्वेश्चन डील हो जाए, क्लियर है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आता है वो होता है पैरेललोग्राम के ऊपर. वो क्या होता है, मान लो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं इस तरीके से, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी. ए का कोऑर्डिनेट ले लो एक्स वन वाई वन, बी का ले लो एक्स टू वाई टू, और सी का ले लो एक्स थ्री वाई थ्री, और डी का ले लो एक्स फोर वाई फोर. क्वेश्चन में क्या बोलता है ना कि मेनली पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन क्या होता है कि डायगोनल्स से डील करता है. कैसे डील करता है, जहां पर डायगोनल्स मीट करता है पैरेललोग्राम का. मान लो तो ये पॉइंट को हम लोग एम ले लेते हैं. एम इसलिए ले क्योंकि डायगोनल्स पे पैरेललोग्राम बाइसेक्ट फीचर है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है. तो बाइसेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या होगा कि जो एम है वो मिड पॉइंट होगा. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए सी. उसी तरीके M जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी के. दोनों डायगनल का वो मिड पॉइंट होगा क्योंकि दोनों डायगनल से दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं. उसका मतलब क्या है कि जो M का जो X होगा
अगर हम एसी के साथ चले, एसी तो एसी का एक्स वन और सी का एक्स थ्री दोनों को जोड़ के थ्री से डिवाइड कर, टू से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम वही चीज m का y निकाल लेते हैं ac का यूज करके, तो m का y क्या है y1, a का y y1, c का y क्या है y3 डिवाइडेड बाय 2, m का x और y आ गया यूजिंग ac। अब यही चीज हम यूजिंग bd करेंगे क्योंकि वो bd का भी तो मिड पॉइंट है। तो m का x निकालते हैं, अभी bd ले रहे हो तो x भी b और d का लेना, यानी x2 प्लस x4, b का x2 और d का x4 द होल डिवाइडेड बाय 2। और m का अगर हम y लेते हैं तो दोनों का y को जोड़ना, मतलब y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाय, क्लियर है इस तरीके से। तो इससे क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो तुम्हारा AC से है, एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी x1 प्लस x3 बाय 2 इक्वल्स टू x2 प्लस x4 बाय 2। तो x1 x3 क्या है, अपोजिट वर्टेक्स का x का वैल्यू, x2 x4 क्या है, अपोजिट वर्टेक्स का x का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अगर उसी तरीके से y भी देखो, क्योंकि m का y, m का y, m तो एक ही चीज है ना, एक ही वर्टेक्स को ही, एक ही पॉइंट को तुम m बोल रहे हो, तो वैल्यू भी तो सेम ही आएगा। तो इसका क्या है, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2। यहां भी क्या करना, अपोजिट लेना है, ठीक है, a का अपोजिट c, उसका x को जोड़ के 2 से डिवाइड करना और b और d का लेके चलना। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको अगर पैरेललोग्राम के ऊपर आएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हो गया फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब आता है सेकंड चैप्टर, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डील करते हैं। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है क्योंकि वहां पर आपको इक्वेशन निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, एक एक करके उससे हम डील करते हैं। सबसे पहले स्लोप क्या होता है वो जानते हैं। अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जिसमें एक्स एक्सिस भी हो और ये क्या हो वाई एक्सिस भी हो, और यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और इधर कितना होगा 180 माइनस 45, 180 डिग्री बना। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि स्लोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टैन थीटा। अब बात है कि थीटा तो यहाँ दो दो तो है, एक 135 भी एक 45 भी, तो किसको लेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस लेना है, यानी ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव तरफ, ये पॉजिटिव जा रहा है ना एक्स का, और इधर क्या जा रहे हो एक्स का नेगेटिव जा रहे हो, एक्स का जो पॉजिटिव साइड है वो लेना है। इसका मतलब ये 135 नहीं लेना क्योंकि ये एक्स का नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हमको 45 लेना है जो एक्स का पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा टैन 45, टैन 45 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया स्लोप। तो ये स्लोप निकालने का पहला तरीका, अगर आपको एंगल दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, थीटा किधर एक्स का पॉजिटिव की तरफ लेना है, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का, ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी आपको क्लास 9 में पढ़े, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ, जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, मान लो ये इक्वेशन दिया है और बोलता है इसका आप स्लोप निकाल के दिखाओ, तो करना क्या कि इसको आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बोलने का मतलब क्या है, y की दरी रखो प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 7, अभी 3 को उधर भेजोगे तो दोनों से डिवाइड होगा, ये माइनस 2 बाई 3x और ये हो गया माइनस 7 बाई 3, हो गया। अभी देखो क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म आया, बिल्कुल आया, ये जो पार्ट है इसके पास भी x है, इसके पास भी x है ना, तो मतलब mx जो है वो किसके इक्वल हो गया माइनस 2 बाई 3 x के, x और x कैंसिल आउट हुआ तो स्लोप क्या आ गया माइनस 2। तो ये दूसरा तरीका हुआ स्लोप निकाल, कौन सा तरीका हुआ, एक था जिसमें थीटा दिया हुआ, दूसरा जिसमें इक्वेशन दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और उस इक्वेशन से आपसे पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या है। तो ये दो तरीका हम लोग पढ़े, एक और एक तरीका होता है जो कि थर्ड तरीका होता है स्लोप निकाल, वो तरीका क्या होता है हम उस पर जाते हैं। मान लो आपको बोला कि ये लाइन दे दिया, अब बोला इसका स्लोप निकाल, तो कुछ नहीं करना है, इस लाइन पे अगर दो कोऑर्डिनेट भी तुमको पता है, इस लाइन पे जिसका स्लोप निकालना है उसके अगर दो कोऑर्डिनेट भी पता है तो हमारा काम हो जाए। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिए हम 2.3 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिए हम मान लो 5.6, रफली ले लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये y2 कौन है, x2 कौन है, किसी को भी ले लो, अगर आप मान लो इसको x1 y1 लेता है तो ऑटोमेटिकली x2 y2 हो जाएगा, उल्टा भी कर सकता है, आप इसको x1 y1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये मैटर नहीं करता है किसको x1 ले रहे हो किसको x2 ले रहे हो, लेकिन जिसको x1 लिया है y1 भी उसी का होगा ना, क्योंकि 1 लगाया ना, जिसके पास x1 उसी का y1, जिसके पास x2 उसी का y2। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो y2 के जगह क्या डालोगे 6, y1 के जगह क्या डालोगे 3, x2 के जगह क्या डालोगे 5 और x1 के जगह क्या डालोगे 2,
एलवी रस डाल देना है, ये हो जाएगा 3/3, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप कितना आ गया 1। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप स्लोप निकालते हो। पहला तरीका क्या था, जिसमें आपको थीटा दिया हो एंगल, और एंगल हमेशा क्या करना है, एक्स का पॉजिटिव साइड वाला को लेना है हमेशा, ये वाला साइड को। दूसरा क्या है, इक्वेशन दिया हुआ होगा लाइन को, तो उसको किस फॉर्म में लिखोगे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और तीसरा क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स, अगर उस लाइन का दो कोऑर्डिनेट भी तुमको पता है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो उस लाइन में अगर मान लो तीन कोऑर्डिनेट दिया है तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो सिर्फ दो ही से है ना, चाहे तीन हो चाहे चार हो, हमको सिर्फ दो चाहिए, उसका कोई भी दो उठा लो आपका आंसर वही आएगा। बात क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अभी देखो अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, और इस लाइन को हम एल ले लेते हैं, इसको लाइन को हम एम ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ एल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एम होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो लोग का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। फिर रिपीट करें, अगर दो लाइन पैरेलल है तो लोग का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और एक कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लो ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, इसका स्लोप को हम एल ले लेते हैं, इसका स्लोप को हम एम ले लेते हैं, और एक दूसरे क्या 90 डिग्री, एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका उलो का स्लोप को अगर आप इनटू करोगे तो इक्वल्स टू -1 होगा। मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप को इनटू करने पे प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो वो लोग का वैल्यू भी, मतलब लाइन पैरेलल है तो वो लोग का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं, अब देखो तुमको स्लोप पता चल गया कैसे निकालना है, तीन चार तरीका पढ़ा दिए आपको, यहाँ पर स्पेशल केसेस बता दिए। केस वन हो गया जब लाइन परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, ये केस टू है जब लाइन पैरेलल होगा तब क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि चैप्टर का ही तो नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन निकालना सबसे इजी है, एक फॉर्मूला है उसमें बैठा दो, आपको इक्वेशन आ गया। फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, ठीक है। इसमें लगा दोगे इक्वेशन आ जाएगा। अब बात है यहाँ पास है क्या, ये वाई वन और एक्स वन क्या है, अगर जिस लाइन का तुमको इक्वेशन निकालना है, मान लो इस ए बी का इक्वेशन निकाल, इस लाइन का अगर तुमको किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो वही एक्स वन वाई वन होता है। जैसे मान लो ए पता है तुमको 2.3 और बी पता है मान लो 5.6, तो एक्स वन वाई वन में ए का वैल्यू डाल दो या फिर बी का वैल्यू डाल दो, कोई भी एक वैल्यू डाल दो उस लाइन में, लाइक करने वाला कोई भी एक पॉइंट का वैल्यू डाल दो, आपको एक्स वन वाई वन मिल गया। अब एम क्या है, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप, ठीक है। तो अगर किसी का भी इक्वेशन जानना है तुमको, किसी भी लाइन का इक्वेशन जानना, दो चीज जानना होगा। पहला, उस लाइन में लाइक करने वाला एक कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट उस लाइन में लेकिन होना चाहिए, उसके बाहर वाला मत ले। दूसरा, उस लाइन का स्लोप, जिसका इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप। बात क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बार बोर्ड में आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन बोले कि एक लाइन है ए बी और ये ए बी इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टेड एट पी बाय एक्स एक्सिस या फिर बाय वाई इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों बोले कि ये जो लाइन है ए बी इसको एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसको कट कर रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो वो जो पॉइंट होगा ना जहां पर वो कट करेगा उसका वैल्यू होगा एक्स कॉमा जीरो, क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको हम फॉर्मुलाज बता रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे ज्यादा, मतलब डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिविजन करना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलते इंटरसेक्टेड एट पी बाय वाई एक्सिस बोलते, वो वाई एक्सिस उसको काट रहा है या फिर एक्स इक्वल्स टू जीरो बोल दे, तो उसको कैसे लिखोगे, जीरो कॉमा वाई। मतलब अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है बोल रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा वाई जीरो होगा, अगर बोलेगा वाई एक्सिस कट कर रहा है तो एक्स जीरो होगा। आपको पता है ना किसी भी कोऑर्डिनेट को तुम जब लिखते हो तो आगे एक्स आता है पीछे वाई आता है, इसको स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो बाद में वाई का वैल्यू आता है और पहले क्या आता है, एक्स का वैल्यू। यहां तक क्लियर है? ये आपको ओवरऑल इतना फॉर्मूला इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी कुछ पूछता है तो फिर देखेंगे बनाया जाएगा उसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ये सेमेस्टर वन स्पेसिमेन 2022, मतलब अभी जो सैंपल पेपर बोर्ड रिलीज किया था ना उसका क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है दिस द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड। देखो अभी थोड़े पहले पढ़े थे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी एक्स, आपको तीनों का एक्स को लेना है और किसे डिवाइड कर देना है, थ्री से, और अगर उसका सी का वाई निकालना है तो
तीनों का वाई को लेना है और उसको किससे डिवाइड कर देना है, थ्री से। अभी देखो एक्स, इसका एक्स कितना है वन, इसका एक्स कितना है टू, इसका एक्स कितना है माइनस, ऐड कर देते हैं वन प्लस टू माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री। ये माइनस नहीं किए हो प्लस ही है, ठीक है। तो ये थ्री माइनस थ्री हो गया बाई थ्री, आंसर कितना आ गया जीरो। अब वाई को ले लो, इसका वाई कितना है थ्री, इसका वाई कितना है माइनस फोर, और थर्ड वाले का वाई कितना है वन, वैल्यू डालते हैं थ्री प्लस माइनस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, ये भी हो गया फोर माइनस फोर बाई थ्री, जीरो बाई थ्री कितना होता है जीरो। तो मेरा सी का कोऑर्डिनेट आया जीरो कॉमा जीरो, वही आंसर में जीरो कॉमा जीरो है, हाँ ए, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है फॉर्मूला है, एक्स को जोड़ो डिवाइडेड बाई थ्री, वाई को जोड़ो डिवाइडेड बाई, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी स्पेसमैन का है, द पॉइंट थ्री कॉमा जीरो इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन है। ओके ये तो रिफ्लेक्शन चैप्टर का आ गया है, क्वेश्चन ही बना ही लेते जब यहाँ आ ही गया था। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट का मतलब होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इनवेरिएंट कब होता है, अभी देखो अगर तुम अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, तो ये वाई है और ये क्या है एक्स। अब ये थ्री कॉमा जीरो है यानी इसका एक्स का वैल्यू थ्री होगा, वाई यही हो गया पॉइंट थ्री कॉमा जीरो। अगर इसको वन ले लेते हो, इसको टू ले लेते हो, इसको थ्री ले लेते हो, तो यही हो गया पॉइंट। अब इसको तुम किस पे रिफ्लेक्ट कराओगे ताकि इसमें कोई चेंज ना आए, थ्री कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो ही लगे। अगर देखो तुम इसको वाई में रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये जितना इधर उतना ही पीछे बनेगा, यानी ये माइनस थ्री कॉमा जीरो हो जाएगा। यहां से आगे ये थ्री है, पीछे भी तो थ्री होगा, तो चेंज हो गया तो वाई तो होगा नहीं, कट गया ये। फिर ओरिजिन, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराने का मतलब है कि दोनों का साइन चेंज होता है, इसका से इसका। ये थ्री कॉमा जीरो है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस थ्री कॉमा जीरो, ये भी गलत हो गया क्योंकि साइन चेंज नहीं करना है। वो तो एक्स एंड वाई, ये तो गलत ही होगा, ऑब्वियस बात है, बचा क्या एक्स एक्सिस। याद रखना कभी भी क्वेश्चन आए ना इनवेरिएंट, तो आप देखना कि वो जो पॉइंट है जिसको इनवेरिएंट बोल रहे हो वो कहाँ लाई करता है। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो उसको अगर एक्स एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट कराओगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है ना, जो उसी पे खड़ा है उसी पे बैठा हुआ है, तो उस पर रिफ्लेक्ट कैसे होगा, होगा नहीं, वहीं वहीं रहेगा वो। अगर मान लो क्वेश्चन में रहा जीरो कॉमा थ्री, इसका मतलब क्या है ये कहाँ लाई करता है, इसका एक्स जीरो है और वाई थ्री है, यहीं कहीं होगा ये। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अब इसका इनवेरिएंट पॉइंट क्या है, तो दिख रहा है ये किसकी वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, कैसे पता चलेगा वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो कैसे। अगर एक्स का वैल्यू जीरो है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है यानी वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, अगर एक्स का वैल्यू है और वाई जीरो है यानी वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। कभी भी इनवेरिएंट का क्वेश्चन आए याद रखना जिस भी एक्सिस में वो लाई करेगा उसी पर उसको रिफ्लेक्ट कराओ तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इस केस में एक्स एक्सिस और इस केस में आंसर क्या होगा वाई एक्सिस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लाइन 7y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस फोर एंड 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल अभी आपको पढ़ाए थे, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि जो भी दो लाइन पैरेलल है वो लोग का स्लोप क्या होगा इक्वल। क्लियर, अब इस इक्वेशन से स्लोप निकाल, अब आपको सिखाया था एक स्लोप निकालने का तीन तरीका, पहला तरीका थीटा है, थीटा नहीं, दूसरा तरीका लाइन इक्वेशन दिया हुआ होना चाहिए, इक्वेशन दिया हुआ है यानी ये कौन सा फॉर्मूला से स्लोप आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो पहला इक्वेशन है 7y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस फोर, वाई को अकेले रखना है तो 7 को उधर भेज दो, 7 जैसे ही उधर जाएगा वो सबके साथ डिवाइड होगा प्लस 4 बाई 7। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एम एक्स प्लस सी का फॉर्म आया ना, यानी ये जो है वो एक दूसरे की इक्वल है, x और x कट जाएगा, m इक्वल्स टू कितना आया a बाई 7, तो पहला का m आया a बाई 7। दूसरा का इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा का इक्वेशन दिया है 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं माइनस एक्स पहले लिखेंगे 3 को बाद में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, हमेशा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में x पहले आता है ना, एम एक्स प्लस सी। अभी देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, x और x कटा, यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे क्या है पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है दोनों का स्लोप इक्वल है, पहला का आया था a बाई 7, दूसरा क्या था माइनस वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए कितना आ जाएगा माइनस बाई टू, ये दिख रहा है माइनस वन बाई टू, दिख गया बी आंसर हो गया। क्लियर है, लाइन पैरेलल है, स्लोप इक्वल होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई कॉस्ट एम एक्स प्लस सी का फॉर्म लिख दो, एम आ जाएगा, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच, देखो क्या पूछा है रेशियो, रेशियो का मतलब क्या पढ़े थे अभी, एम इज टू एन है ना, वही ना होता है रेशियो, विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स, थोड़ा देर पहले आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर एक लाइन है जिसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा जीरो।
अगर उसको y एक्सिस डिवाइड करेगा तो उसका क्या होगा, 0, y। आपको रेशियो निकालना है तो इधर m लिख ले, इधर n लिख ले। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये हो गया a और ये हो गया a का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 6, -4। b का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3, 8। हमको निकालना है रेशियो। अभी देखो, अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, m इंटू दूर का x प्लस n इंटू दूर का x डिवाइड बाई m प्लस n। अभी p का क्या दिया हुआ, किसका वैल्यू आपको पता है, p का x पता है, नहीं पता है। p का y पता है, हाँ पता है। p का y कितना है, 0। तो p का y पता है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या पढ़े थे हम लोग, p का y का फॉर्मूला, m इंटू दूर का y। अभी देखो m का दूर में y कौन सा है, 8 प्लस n इंटू दूर का y। अभी n का दूर का y कौन है, देखो -4 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला पढ़ा था। p का y का वैल्यू कितना है, 0। ये हो गया 8m -4n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर इस m प्लस n को इधर भेजोगे और 0 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो वो तो 0 हो गया, तो उसको वापस लिख के फायदा नहीं है। तो 8m -4n, ये माइनस उसको इधर भेज दो, तो 4n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8m के। हमको निकालना है m बाई n, ये हो जाएगा 4/8। n इधर चला गया, 8 इधर आ गया, कितना होता है, 1/2। तो आंसर कितना है m = n का, 1:2। क्लियर। अब इसी में एक चीज एक्स्ट्रा दे देगा कि p का x भी निकालो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, p का x का फॉर्मूला बैठा देना। p का x का वैल्यू क्या होता है, m * दूर का x, n * दूर का x / m + n। लेकिन यहां पूछा नहीं, यहां सिर्फ रेशियो पूछा है, हम लोग का रेशियो आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो स्पेसिमेन का सारा क्वेश्चन हो गया, ये 2020 का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले पढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों लाइन को इंटू करोगे तो कितना आएगा, -1। दोनों लाइन का स्लोप को इंटू करोगे तो क्या आएगा, -1। फिर स्लोप कैसे निकाले, इजी है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, y cos mx, इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हो, उस दोनों के mx + c का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले वाले को लिखते हैं, पहला है 5x - 3y + 2 = 0। हमको y को अकेले रखना है तो y तो नेगेटिव है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 उधर भेज दो, ये हो जाएगा 5x/3 + 2/3। ये mx + c के फॉर्म आया, तो ये रहा x वाला वैल्यू, जो मेरा mx है वो किसके इक्वल है, 5x/3 के, जो x के साथ वही ना mx बनेगा, x और x कट गया, m कितना आया, 5/3। तो पहला वाला से हम लोग का m तैयार है। अभी दूसरा वाला पे जाते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन क्या बोला है, 6x - py + 7 = 0। ठीक है, यहाँ भी y को अकेले रखना पड़ेगा, तो 6x + 7 चला कर पी वाई हो गया, वाई को उधर ही क्यों भेजे, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो जो निकालना उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पी को उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो पी को, ये हो जाएगा 6x/p + 7/p। जो भी चीज उधर जाएगा तो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, नहीं तो ये रहा x वाला वैल्यू यहाँ पास मेरा, तो mx है मेरा वो किसके इक्वल है, 6x/p के, x और x कटा, m कितना आ गया, 6/p। तो दोनों का स्लोप मिल गया ना आपको, अब वैल्यू पुट कर दो, क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर है, m1 into m2 कितना होगा, -1 होगा, m1 कितना है, आगे m1 5/3, m2 कितना लाया, 6/p -1। फिर से कटिए कितने बार में, दो बार में, p को उधर भेज दे और माइनस को उधर भेज दो, तो 10/-1 या फिर -10 लिखो डायरेक्ट, p कितना आ गया आपका, -10। आगे पहला सॉल्व हो गया। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। ध्यान से सुनना, इक्वेशन निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना, उस लाइन का। अभी इक्वेशन निकालने का आपको बताया था एक तरीका, आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए जो उस लाइन में लाई करता हो, शायद दे दिया है, बोला ना, उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, -2, -1 से, तो कोऑर्डिनेट मिल चुका है। और कोऑर्डिनेट के साथ साथ और एक चीज चाहिए होता है, स्लोप, उस लाइन का स्लोप, एंड पैरेलल टू दिस, वो जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, 6x - py + 7। अभी हम थोड़े पहले पढ़े थे कि अगर लाइंस पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा, तो जिस उस अगर हम उस लाइन पे जाए जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप क्या होगा, जो दिया हुआ उसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसका स्लोप कितना था, 6/9, इसी के इक्वल था ना, 6/9, 6/p, सॉरी p है ना, 6/p, p कितना लाया था, -10, तो ये हो जाएगा 6/-10 यानी -3/5, स्लोप आ गया हम लोग का। देखो सुनो, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि -2, -1 से पास होता है,
माइनस टू कॉमा माइनस वन उस लाइन में लाई करता है तो कोऑर्डिनेट मिल गया, और 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल 0 के इक्वल है, तो जो 6x माइनस पी वाई प्लस 7 का स्लोप होगा वही ना उसका भी स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल का स्लोप इक्वल होता है, तो उसका स्लोप तो 6 बाई पी निकाले थे, पी का वैल्यू कितना है माइनस 10, वैल्यू डाल दिया तो स्लोप आ गया, कोऑर्डिनेट पता है क्या है कोऑर्डिनेट माइनस टू कॉमा माइनस वन, एक्स वन कितना हो गया, हाँ सॉरी, तो यहां से मेरा एक्स वन निकाल लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोग का, कोऑर्डिनेट क्या है x1 कितना दिया हुआ है माइनस टू, और y1 कितना दिया हुआ है माइनस वन, अब निकालो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1, y1 कितना है माइनस वन, m m कितना निकाला माइनस थ्री बाई फाइव, x माइनस x1, x1 कितना है माइनस टू, और बाकी इंटू इंटू करो आंसर आ जाएगा, तो फाइव को ऊपर भेज देते हैं, तो फाइव वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस थ्री से इंटू कर दो माइनस थ्री एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस टू प्लस टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, सबको इधर ले हमेशा याद कोशिश करें x को पॉजिटिव रखने का, तो थ्री एक्स इधर आके प्लस हो गया, फाइव वाई ऑलरेडी प्लस है, प्लस फाइव यहाँ है, माइनस सिक्स भी इधर आके प्लस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या बना थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस इलेवन इक्वल टू हो गया आपका आंसर, बात क्लियर है, फिर से सुनो, जिसका इक्वेशन निकालना है उसका एक कोऑर्डिनेट पता करो उसका और उसका स्लोप पता करो, आपको कोऑर्डिनेट पता है नहीं पता है, पता है क्या है वो माइनस टू को माइनस वन दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा चीज उसका स्लोप चाहिए, तो सिक्स एक्स माइनस पी वाई प्लस सेवन का स्लोप पता है, और वो जो लाइन है वो इसके पैरेलल है तो उसका भी स्लोप हमको पता है, तो स्लोप आ गया, फॉर्मूला हम डाल दीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये भी 2022-20 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है यहाँ पर, इन व्हाट रेशियो, फिर से रेशियो पूछा है, ठीक है, एमिस्टेंट पूछा है, अ लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू, पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 5.3, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस डिवाइड करा है, तो क्या लिखोगे 0.y, अभी सेम चीज रिपीट करना, क्या रिपीट करना है, इस पी का क्या पता आपको, एक्स पता है, पी का एक्स जीरो दिया है ना, तो फॉर्मूला लगा क्या पढ़ाया था, एम इंटू दूर का एक्स, इस एम का दूर वाला एक्स कौन है माइनस फाइव, प्लस एन इंटू दूर का एक्स, इस एन का दूर का एक्स कौन है प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, पी का एक्स कितना दिया हुआ है जीरो, तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस फाइव एम प्लस फाइव एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, अभी एम प्लस एन तो जीरो है ना, उधर जाके जीरो से इंटू करेगा कोई भी चीज को तो जीरो ही आएगा, तो जीरो इक्वल्स टू माइनस फाइव एम प्लस फाइव एन, एम को उधर भेज दो, तो फाइव एम इक्वल्स टू फाइव एन आया, एम बाई एन कितना हो जाएगा फाइव बाई फाइव, यहाँ से कितना आया वन इज टू, आ गया पहला क्लियर है, रेशियो निकल गया हम लोग एम स्टूडेंट का, फिर क्या पूछा उस डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पहले क्वेश्चन में ही बोले थे वहां सिर्फ रेशियो पूछा था तो रेशियो निकाल सर्व कर दे, यहाँ पर उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालो, फिर पी का एक्स तो तुमको पता ही है क्या है पी का एक्स जीरो, पी का वाई निकाल लो बस काम हो गया, हमारा क्या है एम इंटू दूर का वाई, एम कितना है वन और एन भी कितना है वन, तो वन इंटू दूर का वाई, ये है दूर का वाई, एम के दूर में कौन है थ्री है ना थ्री, प्लस वन इंटू दूर का वाई, इस वन के दूर का वाई कौन है ये भी थ्री है, प्लस वन इंटू डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, ये हो गया थ्री प्लस थ्री सिक्स बाई टू, आंसर कितना आ गया, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हुआ जीरो कॉमा, अभी देखो ये वन इज टू वन का रेशियो हम डिवाइड करा है यानी वो मिड पॉइंट है उसका, तो मिड पॉइंट लगा के भी आंसर निकाल सकते थे, ऐसे नहीं नहीं निकाल सकते, क्लियर है, रेशियो आ गया फिर सेक्शन फॉर्म लगाया तो वहां से पी का कोऑर्डिनेट्स भी आ गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एंड एन आर टू पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, एम जो है वो किस एक्सिस में है एक्स एक्सिस में, एन जो है वो किस एक्सिस में है वाई एक्सिस में, ठीक है, तो मान लो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम एम मार्क करते हैं, इसको हम एन मार्क करते हैं, अगर एम एक्स एक्सिस में है तो उसका एक्स का वैल्यू होगा वाई तो जीरो होगा, क्योंकि वाई जीरो है तब ना वो एक्स एक्सिस में है, और एन किस में है वाई में, उसका एक्स कुछ नहीं होगा लेकिन y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो y लिख लेते हैं उसका, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट, p जो इसको डिवाइड कर रहा है, इन द p का कोऑर्डिनेट दिया है 3.2, इन द रेशियो 2:3, 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m n, सेक्शन फॉर्म में लगेगा, दिख ही रहा है ना m और n दिया हुआ है आपको, देखो ये मेरा m है ना, और ये क्या है n, बाद वाला n पहले वाला m, p का x लगाओ, m * दूर का x, इस 2 का दूर का x कौन है 0, 2 इंटू जीरो प्लस
एन इंटू दूर का एक्स, इस इसका दूर का एक्स कौन है, एक्स थ्री इंटू एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एन प्लस थ्री। पीक एक्स देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, थ्री, तो थ्री इक्वल्स टू ये तो जीरो हो गया, तो थ्री एक्स बाई फाइव, एक बार में बताओ x क्या होगा, थ्री इंटू फाइव बाई थ्री, थ्री से कट गया, x कितना आ गया पांच। x अगर तुम्हारा पांच आ गया तो m का काम हो गया, m का कोऑर्डिनेट आ गया, m कितना था x कॉमा जीरो, x आ गया पांच, तो फाइव कॉमा, अभी n पे जाते हैं, p का वाई लगाओ, तो m है टू, अब इस टू का दूर में कौन सा y है, y और क्या है प्लस थ्री इंटू दूर का y क्या है जीरो डिवाइडेड बाई एम प्लस एन टू प्लस थ्री। पी का वाई कितना दिया हुआ है टू इक्वल्स टू टू बाई थ्री इंटू जीरो तो जीरो हो गया बाई फाइव, टू टू कट गया, वाई कितना आ गया तुम्हारा फाइव, वाई फाइव आ गया यहाँ से, एन का भी काम हो गया, एन का कोऑर्डिनेट क्या था जीरो कॉमा फाइव यानी फाइव मतलब जीरो कॉमा फाइव हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ एम एन, स्लोप निकालने का क्या तरीका सिखाए थे, दो कॉर्डिनेट चाहिए या थीटा चाहिए या इक्वेशन चाहिए, हमको दो कॉर्डिनेट दिख रहा है, तीन तीन कॉर्डिनेट दिख रहा है, एम का भी दिख रहा है, पी का भी दिख रहा है, एन का भी दिख रहा है, कोई भी दो ले लो आंसर आ जाएगा, हम m और n का ले रहे हैं ठीक है। तो m का वैल्यू है 5,0 ये m और n का वैल्यू कितना आया 0,5, इसको ले लेते हैं हम x1, इसको ले लेते हैं y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, अब वाइस वर्सा भी ले सकते हो आपके ऊपर आंसर भी आएगा। फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये होता है ना, y2 हो गया 5, y1 हो गया 0, x2 हो गया 0, x1 हो गया 5, तो ये हो गया 5 बाय माइनस 5, आंसर कितना आ गया क्लियर। तो कोई भी चीज x एक्सिस में होगा तो उसका x का वैल्यू है y जीरो होगा, कोई भी चीज y एक्सिस में होगा तो उसका y का वैल्यू होगा x जीरो होगा, क्लियर। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y आ गया, फिर स्लोप के लिए दो कोऑर्डिनेट ले लो वहां से स्लोप निकाल लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी 2019 का ही है, देखते हैं इसमें क्या बोलता है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर दिस दिस एंड दिस, तो एक ट्रायंगल है, नाम क्या है इसका, ये ए है, इधर बी है, और ये क्या हो गया आपका सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3,8, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -1,2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6,-6, 6,-6। हमको बोला स्लोप निकालो बीसी का, स्लोप निकालने का आपको तीन तरीके से कहते हैं, थीटा नहीं पता, इक्वेशन नहीं पता, कोऑर्डिनेट हाँ है, बी का भी कोऑर्डिनेट है, सी का भी कोऑर्डिनेट है, निकाल लो फॉर्मूला लगा। तो बी है मेरा -1,2, सी है 6,-6, इसको ले लेते हैं एक्स वन, इसको ले लेते हैं वाई वन, इसको ले लेते हैं एक्स टू, और इसको क्या ले लेते हैं वाई टू। स्लोप का फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कितना -6, वाई वन कितना 2, एक्स टू कितना 6, एक्स वन कितना, पहले देख के डाल दो बस, तो डालना है ना बस, तो ये हो गया -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, आ गया स्लोप -8 बाई 7। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल, इक्वेशन निकालना है, याद रखना इक्वेशन का दो तरीका होता है, दो है, एक कोऑर्डिनेट चाहिए और चाहिए स्लोप। परपेंडिकुलर टू बीसी, जो कि बीसी के परपेंडिकुलर है, अगर वो बीसी के परपेंडिकुलर है तो वो जो लाइन हुआ और बीसी हुआ दोनों का स्लोप को इंटू करेंगे तो माइनस वन आएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने पर स्लोप का इंटू माइनस वन होता है, ठीक है नहीं। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, बीसी का कितना था -8/7 इक्वल्स टू -1, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आ गया स्लोप, तो स्लोप का काम खत्म। एंड पासिंग थ्रू ए, ए से पास हो रहा है, यानी हम बोले थे आपको स्लोप चाहिए, मिल गया, एक कोऑर्डिनेट चाहिए, बोला ना ए से पास हो रहा है, यानी ए उस लाइन में लाई करता है, तो कोऑर्डिनेट का भी टेंशन खत्म। कोऑर्डिनेट कौन है ए, ए का एक्स वन कितना है 3, और ए का वाई वन कितना है 8, है ना, ए का एक्स देखो 3, ए का वाई देखो, और लगा दो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई नहीं पता, वाई वन 8, एम अभी निकाला 7/8, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 3, तो करिए 8y-64 = 7x-21। हम फिर से बोल रहे हैं x को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, तो सबको भेजो राइट हैंड साइड, 8y भी चला जाएगा 64 भी चला जाएगा, ये क्या हो गया 7x-8y + 64 - 21 = 0, 21 पहले से वही है ना, तो माइनस ही रहेगा, ये हो गया 7x-8y, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 343 = क्लियर। तो इक्वेशन का याद रखना, एक कोऑर्डिनेट एक स्लोप,
कोऑर्डिनेट देखो किस लाइन से पास हो रहा है, बोल ही दिया ए से पास हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो गया। स्लोप बोला कि परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो इक्वेशन क्या है एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, वहां से स्लोप दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2018 क्या बोलता है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, देखो फिर से आ गया परपेंडिकुलर, क्या करोगे दोनों का स्लोप का इक्वेशन पता है ना, दोनों का स्लोप को इंटू करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन, चलो स्लोप दोनों का। इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, क्या सिखाए थे y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म लिखना है, इसका y क्या है नेगेटिव, भेज दो राइट हैंड साइड 5y, 5 जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 3x by 5 और ये हो गया 7 by 5, ये x वाला हमको स्लोप देगा कैसे, mx किसके इक्वल हुआ 3x by 5 के, x और x कटा m कितना आ गया 3 by 5, पहले का स्लोप खत्म। दूसरा इक्वेशन पर जाते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है 4x plus ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी y निकालते हैं तो ए वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4x माइनस 9, हमेशा x को प्लस पहले रखना है ना, तो y क्या हो जाएगा a जाके सबसे डिवाइड उधर, यहाँ a माइनस 9 बाई a, हमेशा याद रखना x वाला हमको स्लोप देगा, यानी mx जो है वो किसके इक्वल हो गया माइनस 4x बाई a के, x और x कटा m कितना आ गया 4 बाई, तो दोनों स्लोप हमको पता है, पहले का स्लोप का वैल्यू कितना है 3 बाई 5, दूसरा का स्लोप वैल्यू कितना है माइनस 4 बाई ए इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस 12 बाई 5 ए इक्वल टू माइनस 1, ए को उधर भेजो माइनस को नीचे भेजो, माइनस 12 बाई माइनस 5 माइनस माइनस कटा आंसर कितना आया 12 बाई, क्लियर। तो परपेंडिकुलर बोला था, इक्वेशन रिलेशन क्या है एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस 1, दोनों का स्लोप निकाला, किस कैसे निकाला वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर, उसके बाद फिर फॉर्मुला हम डाल के काट के आंसर आ गया जो कि 12 बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो ये भी आपका 2018 में है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चलो ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये काम करते हैं हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर हो गया ए बी और सी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1,2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 5,8, ये वर्टिसेस है ट्रायंगल, ठीक है। M is a point on AB. M जो है वो AB पे अप्लाई करता है. Such that AM is to MB 1:2. AM हो गया 1, MB हो गया 2. Okay? रेशो दिया. Find the coordinate of M. M का coordinate निकालना. पहले M का coordinate निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. अभी देखो, M जो है वो AB line पे अप्लाई करता है. यहाँ A लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, यहाँ C लिख दिए. AM कितना बोला था? 1. और MB कितना बोला था? 2. A का coordinate क्या है? 2,5. B का coordinate क्या है? -1,2. देखो आपको प्रैक्टिस होगा ना तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते, ठीक है। एम का एक्स निकालो, 1 इंटू दूर का एक्स, अभी 1 का दूर का एक्स कौन है माइनस 1, अब तो सीख गया ना कैसे करते हैं, 2 का दूर का एक्स कौन है 2, देखो इसके दूर में ये वाला 2 है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 4 बाय 3, तो क्या होता है 3 बाय 3 जो कि हो गया 1। एम का वाई निकालो, 1 इंटू दूर का वाई, दूर का वाई कौन है 2, 2 इंटू दूर का वाई कौन है 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा सबको, दो तीन क्वेश्चन हम बता चुके हैं दूर का कैसे पहचानते हैं, तो ये 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, 12 बाई 3 कितना हो गया 4, एम का काम आ गया, एम कहता है 1 कॉमा, हो गया पहला पार्ट डी। फाइंड द इक्वेशन, देखो इक्वेशन सुनते ही दिमाग में क्या आया, एक कोऑर्डिनेट और स्लोप पासिंग थ्रू सी एंड एम, जिसका हमको इक्वेशन निकालना है वो किससे पास हो रहा है, सी से और एम से, सी का कोऑर्डिनेट पता है 5,8, एम का भी निकाला कहता है 1,4, हमको इसका चाहिए इक्वेशन, इसका एक स्लोप चाहे निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हो कैसे निकालेंगे स्लोप, सी का कोऑर्डिनेट पता है एम का कोऑर्डिनेट पता है स्लोप निकल सकता है आराम से निकल जाएगा, कैसे इसको एक्स वन ले लो, इसको वाई वन ले लो, इसको एक्स टू ले लो, इसको क्या ले लो वाई टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या पड़ा था वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, वाई टू कितना 4, वाई वन कितना 8, x2 कितना 1, वन कितना माइनस 4 बाई माइनस 4 आ गया स्लोप 1, तो का टेंशन खत्म। एक कोऑर्डिनेट चाहिए, दो दो कोऑर्डिनेट है, c भी पता है m भी पता है, कोई एक डाल दो हमारा काम हो जाएगा, क्या डालना है तुम्हारी मर्जी, जो डालना डालो, हम c डाल रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन का फॉर्मूला आता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई कितना वो तो वही तो बनेगा, वाई वन कितना 8, m कितना 1, x माइनस एक्स वन कितना 5, तो ये हो गया y माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 5, तो x
माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो जिसका भी इक्वेशन पूछेगा उसका स्लोप निकालना, और यहाँ स्लोप कैसा आया, सी और एम का कोऑर्डिनेट हमको पता था, स्लोप आ गया। अब सी का वैल्यू डाल दो या एम का वैल्यू डाल दो, दोनों तो उस लाइन में ही लाई करता है, दोनों से तुम्हारा आंसर वही आएगा। बस मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट वन में हम लोग 2022 से 2018 तक किए, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू, मतलब 2011 से लेकर 2017 तक का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।